नवीन का बाइक भी आ गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है बाइक को, तो वो बिग डैडी इज गोइंग स्मूथली। बाइक जो है ऊपर लिफ्ट हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो आज जो है हमारे बाइक जो फाइनली शिप हो रहा है, आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है और कैसे आपके बाइक को भी शिप कर सकते हो। अगर मान लो आप बैंगलोर से हो और आपको जो है कहीं भी इंडिया में शिप करना है, जैसे लद्दाख वद्दाख आप जा रहे हो ग्रुप में, तो आप साथ मिलके जो है आपके बाइक्स को जो है शिप कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रक आ चुका है, हमारे बाइक सब यहाँ पे पार्क है। ये हमारी सब बाइक्स है, नहीं मेट्रो नहीं जा रहा है, KTM 390 एडवेंचर जा रहा है। ये मेरी बाइक, ये नदीम की बाइक, ये एड्रेन का स्कूटर पे जा रहा है, स्कूटर नहीं जा रहा है। ये किसका बाइक है, नाम देखना पड़ेगा, किसका बाइक है, फैमिलियर है, अभिजीत का बाइक है। ये हमारा GSV है, सब रेडी है। तो ऐसा कुछ ट्रक है जिसमें ट्रेलर टाइप ट्रक है, तो इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो खुलता है इसके ऊपर से चढ़ा के फिर ऊपर जाते हैं गाड़ी सब। अच्छा, बैटरी से ही होता है क्या ऑपरेट? बैटरी से ही है। चलो सही है। अच्छा अभिषेक, Yes, तो कंपनी का नाम है ईगल बाइक ट्रांसपोर्टर्स डॉट कॉम, वेबसाइट भी है। वेबसाइट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। अच्छा, तो कॉन्टेक्ट नंबर, हाँ यू कैन, दैट्स द कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉल अस ऑन, इस पे कर सकते हो। जी हाँ, तो 7975701085। और हमारा इंस्टाग्राम पर भी प्रेजेंस है। ओके, वी आर कॉल्ड एज ईगल बाइक ट्रांसपोर्ट, यू कैन जस्ट सर्च इट, यू गेट इट, जस्ट वन अकाउंट विद द सेम लोगो दैट यू कैन सी। सो राइट नाउ वी आर डूइंग इट ओनली फ्रॉम बैंगलोर टू, we are expanding everywhere. So our main operations is from Bangalore because we are based out of Bangalore. Right. पर हम सब जगह cater करते हैं। If you have a requirement, just let us know. हमारे पास cages भी हैं, हम सब कर देंगे। अच्छा, so basically any motorcycle you want to send anywhere, just get in contact. Just get in touch. But give us advance notice ताकि हम plan करें। I think groups में जाने से थोड़ा advantage बन जाता है कि पूरी की पूरी truck जो है आपके लिए जाता है। अगर आपका 4-5 bikes है तो हम पूरा truck दे देते हैं। हाँ, अगर सिंगल बाइक है तो obviously cage में जाएगा। Cages है, cages में डाल के हमारे ट्रक्स में भेज देते हैं हम जो ट्रक्स। अच्छा, एंड कॉस्ट वाइज अभिषेक व्हिच इज बेटर है? मैंने ग्रुप रहने से मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर होगा। ग्रुप रहने से अच्छा है क्योंकि आपका ट्रक हो जाता है, दैट वर्क्स आउट बेटर। राइट, अगर केजेस है तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट हम वी विल ऑलवेज वर्क आउट फॉर अफोर्डेबल प्राइस। एंड जैसे ट्रैवल डेट्स, मतलब जैसे टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रुप और ये में कुछ डिफरेंस होता है, जैसे केज में भेजते हैं? हां, तो केज में जब जा रहा है इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, ऑब्वियसली बिकॉज़ यू हैव टू वेट दैट कि कुछ और गाड़ियां हो जाए, लॉन्गर टाइम होगा। इफ आप डेडिकेटेड ट्रक ले रहे हैं तो 5 to 6 days बोल सकता हूँ मैं यहाँ से चंडीगढ़ तक, क्योंकि डायरेक्ट जाता है कहीं पे रुकता नहीं है। अगर डेडिकेटेड नहीं है तो बहुत हॉल्ट्स होते हैं, टाइम लगता है। सही बात है। गो वाया गुजरात का रूट और द रूट चेक, इट गोज वाया द हैदराबाद साइड। हाँ, हैदराबाद नागपुर आई थिंक। हाँ, हैदराबाद नागपुर। हाँ, सो अभी हमारा तो जो हमारा बाइक जा रहा है अभी चंडीगढ़, सो आई थिंक रूट फिर वही हैदराबाद नागपुर, दैट रूट ग्वालियर दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली एंड चंडीगढ़। सही है। सो ऐसे है, मतलब अंदर बाइक्स बेसिकली ऐसे चढ़ेगा एंड देन वी टर्न इट, ना टर्न करके रखेंगे ना बस। ओह अच्छा, ये लिफ्ट होगा? ओहो, ये सिस्टम है। अच्छा, मैं सोचा ऐसे जाएगा। ओके अभिजीत, लिफ्ट होगा, लिफ्ट हो रहा है नहीं, देखेंगे अभिजीत का क्रैश गार्ड, क्रैश गार्ड है सब ठीक है कि नहीं। हाँ अभिजीत के, तो जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, बाइक को आराम से पूरा वो लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद फिर गाड़ी को हो जाएगा। बढ़िया सिस्टम है यार, ये तो बढ़िया सिस्टम है, ध्यान में रख के बनाया ना। हाँ एक्चुअली नहीं, एडवांटेज ये है कि अभी से खुद भी ये लोग बाइकर्स हैं तो इनको पता है बाइकर की पेन पॉइंट क्या है। Exactly, that's why we are here. नहीं, उन्होंने बोला कि यार मैं आता हूँ, हम लोग आके सब सेट करते हैं आप लोगों का। बोला चलो बढ़िया है। जब लोड हो रहा है बैंगलोर से, मैं और शिवा विल ऑलवेज हमेशा हमेशा। नाइस नाइस। नहीं, आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वांटेड टू ट्रांसपोर्ट बाइक्स, एंड अगर आप साउथ पे हो और नॉर्थ तक राइड करना कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज आधा टाइम वहाँ
आपको एक्सपेंसेस उससे ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। यू हैव टू अप्लाई लीव्स, सब चला जाता है आपको। और अभिषेक क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है कैलकुलेट नहीं करते मेंटेनेंस ऑफ द बाइक। अगर आप 2500 किलोमीटर जाओगे आओगे 5000 उसमें टायर घिसता है, चेन स्प्रॉकेट जाता है, ब्रेक पैड्स जाता है, दीज आर एक्सपेंसिव, पर किलोमीटर कॉस्ट तो आता है। सो दैट वे आई थिंक दिस इज मोर इकोनॉमिकल एंड मोर सेफर वे आल्सो। सेफर वे, हैसल फ्री, नॉट नो प्रॉब्लम। हैसल फ्री। सो फॉर सुपर बाइक्स व्हाट यू डू इज एनी डैमेजेस वी विल रीइंबर्स दैट trip cost to you. Achha, so that's the assurity we give, because we are super bikers, we understand the pain point. Right, right. Samajh mein aata hai, because bike is very dearly to any rider. Right, right, absolutely. So hum aise karte ki so that aap tension free rahe sake, aur hum track karte rehte hai bike vehicle ka movement. Acha, aapka to GPS wo bhi hai. GPS track karte hai. Nice, nice. To ye kya aise rahega ya aise? नहीं ऐसे ऐसे ही जाएगा, जैसे ऐसे ही जाएगा। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम आई थिंक हमने घुमा के रखे थे, घुमा के रखे तो अगर विड्थ हमारे पास और एक ट्रक है विड्थ तो ज्यादा, अच्छा उसमें रख सकते हैं, पर इसमें अगर हम कर दे तो जो डिफिकल्ट पार्ट्स हम डैमेज नहीं करना चाहते। एंड घुमाने में ना बहुत टाइम लगता है, वो एफर्ट भी बहुत लगता है, गाड़ी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना। सही बात है, नाइस, चलो सही है, लुक्स गुड। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये ट्रांसपोर्ट सर्विस ज़रूरत पड़ेगा फॉर मोटरसाइकिल्स, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दम। इनकी जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो भी, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छी सिस्टम है ये, जैसे आप अभी देखो ग्रुप में जा रहे हो तो ये प्राइवेट ट्रक जैसे बन गया। देखो पूरा ट्रक जाए, पूरा ट्रक जो है जाएगा आपका वहाँ तक, एकदम टिप टॉप कंडीशन में ट्रक है, बढ़िया है, पूरा क्लोज है, तो इसके अंदर धूल धाल कुछ चलने की जाने की ये नहीं है, समस्या नहीं है। एंड ऑल्सो बाइक जो है बहुत अच्छी तरह से फास्टन भी हो जाएगा, ग्रुप से सब अंदर वो भी आपको दिखाएंगे कैसे बाइक को जो है टाई करते हैं, तो उसमें बाइक जो और हिलता नहीं है, जैसे ही एक बार मतलब खड़ा हो गया और हिलना डुलना कुछ नहीं है। नदीम का बाइक भी आ गया। तो दोस्तों ट्रिप की पूरी जो है लाइव आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज आपको मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो करना चाहिए। वहाँ पे जो है जैसे अभी ये बाइक लोड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है अभी थोड़ा सा एक स्टोरी बना देंगे कि बाइक कैसे लोड हो रहा है। ये देखो भाई, सारे के सारे बाइक जो है लोड होगा, अपने घर के पास ही सब कुछ हो गया, घर के अंदर एक्चुअली सब कुछ हो गया, सही सीन है। सो दोस्तों ऐसा ही कि मैंने अपने लाइफ में जो बहुत बार जो है गाड़ी चला के बाइक मतलब गया है, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ किया है, लॉजिस्टिक बहुत सारा यूज़ किया है। लास्ट टाइम हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला ट्रिप था उसी टाइम पे ऐसे ही कुछ हमारा ट्रांसपोर्ट किए थे, प्राइवेट जैसे ट्रक लेके गए थे, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कंपेयर टू एनी अदर टाइम। इससे पहले मैंने जो है जैसे गति VRL ये सब में किया है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, बाइक थोड़ा टूटने का चांसेस होता है। कोई बात नहीं, यहाँ से चढ़ के ऐसा है। सो अंदर वाला सीन सबको दिखा देता हूँ। सो ऐसे बड़े बड़े बाइक जो है दो बाइक्स ऐसे रहेगा, एंड पार्क होने के बाद जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्रैप्स है जो कि यहाँ टाई हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो पॉइंट्स है जहाँ पे टाई हो जाएगा, तो उससे क्या होता है ना बाइक जो है लेफ्ट राइट और मूव नहीं होता, जिसकी वजह से आपके डैमेज होने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है, तो वो सीन है। एंड पूरा कवर्ड है तो प्रोटेक्टेड रहता है, बारिश वारिश का टेंशन नहीं है, धूप का टेंशन नहीं है, गाड़ी के अंदर सब कुछ सेफली रहेगा। यू कैन पुट इट ऑन द मेन स्टैंड, वी हैव इंस्पेक्शन फॉर कॉप्स और हुक्स। अच्छा, दिस वन, दिस डोर कैन बी ओपन, ओके, कैन ओनली इंस्पेक्ट, सो दे कैन जस्ट ओपन दिस गेट वहां पे, तो आके फिर इंस्पेक्शन। हां हां हां, राइट, ये है। तो बाकी वंस इफ इट्स लॉक्ड, इट्स लॉक्ड, इट्स लॉक्ड, या व्हाट अबाउट दे हैव टू सी वेरीफाई, ओनली फ्रॉम दिस गेट दे कैन डू, हां, बिकॉज़ दे डोंट हैव टू ओपन सच अ बिग गेट। हां, नाइस, तो वो हो गया। आपका शेड है तो कोई धूल वूल का टेंशन नहीं है, गाड़ी मतलब बारिश वारिश का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे एक बार पैक होके गया फिर वहाँ पे ही अनलोड होगा, दैट्स द थिंग। बिग डैडी इज गोइंग, बिग डैडी, हाँ यहाँ मिलेगा सुपर मार्केट, मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकर बिग डैडी थोड़ा आगे और थोड़ा आगे दे दो, ये थोड़ा लोड मैं ले लेता हूँ। हाँ बस, तो कौन लेके आएगा, अभी जिसको भेजता हूँ। स्मूथली बाइक जो है ऊपर लिफ्ट हो रहा है, ट्रक की लेवल पे आ जाएगा, तो उसके बाद राइड करना। चलो अभी तीन बाइक जो है लोड हो चुका है, अपना GS भी लोड हो गया, सबसे बड़ा बाइक ये है, और भी स्पेस है इसमें, ऐसे साइड साइड में दो बाइक लग सकता है, 398 में चलो बहुत कम जगह लगेगा, थोड़ा आगे चले जाएगा। अच्छा अभिषेक भाई, एक बात बस बोलना था कि अगर कोई भी हमारा रेफरेंस लेके आ रहा है, प्लीज थोड़ा अच्छा रेट उनके लिए काम करो, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो से आ रहे हो तो फिर डेफिनेटली अभिषेक भाई को बोल दीजिए कि बुल्लू भाई के वीडियो देख के आए, तो कुछ ना कुछ वर्कआउट कर देंगे, बोले जी आपके लिए तो कर देंगे। चलो सही है, थैंक यू।
जीरो है। अरे वाह, जीरो भी लेके आया, क्या बात है। बियर नहीं मिला अभी अभिजीत? बियर नहीं मिला? मैंने अभिजीत को बोला कि हमारे सुपरमार्केट में जो है बियर सब मिल रहा है, वो खुश होके गया, अरे चिल्ड बियर एक लेके आएंगे। हमारा बाइक जो है लोड होगा। मैंने बोला नदीम हमारा बाइक तो बहुत हल्का है, थोड़ा हैवीनेस चाहिए, इसलिए मैंने हैवी बंदा को बिठा दिया। थोड़ा हैवीनेस चाहिए। सबसे ज़्यादा नीट डिज़ाइन हमारी बाइक की है। वी नीड लिटिल हैवी, ओके, बाइक इज लाइट बिकॉज हाइड्रोलिक विल फील दैट कि देर इज नो वेट। गियर में ही छोड़ दो ना दिन, बस गियर में है ना। हाँ वही मैं बोला। मैं इसलिए बोला कि थोड़ा हैवीनेस चाहिए, इसलिए नदीम को भेजा। हैवी ड्यूटी ये ट्रक सोच रहा है, कोई वेट नहीं लगाए, लाइट वेट हो गया, फटाफट उठ जा रहा है। आफ्टर यू राइड द जीएस एंड ऑल यू फील वेरी लाइट। हाँ हाँ फिर न्यूट्रल कर दो, सही है। पहले अपनी बाइक भी लगी, देखो कितना जगह कम ले रहा है, बहुत कम ले रहा है, लग रहा है और एक बाइक आ जाएगा। पूरा कम जगह हो, एक इंपल्स टाइप से बच्चा वाला बाइक लग रहा है, बच्चा बाइक। इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रैप करना पड़ेगा। नहीं है इसमें। चलो सब बाइक्स फाइनली रह गया, ये सब तीनों जो है पार्क हो चुका है। मेरे गाड़ी में जो स्ट्रैप लग रहा है, हाँ हाँ क्यों नहीं आना है क्या? अरे आना है ना, यूट्यूब में सब आएंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है बाइक्स पूरा इसके अंदर लोडेड है, अब बाइक्स जो है निकल जाएगा ट्रक से और हम लोग जो है निकलेंगे 22 तारीख को 22 को, और फिर उसके हिसाब से प्लान बनेगा, तो देखते हैं जो जैसे जैसे बनेगा। बाकी सब लोग फ्लाइट से लैंड होंगे और बाइक भी उतर जाएगा, फिर ट्रिप भी हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, लेट्स हैव फोटो। देखो हाइड्रोलिक। चलो दोस्तों, सो नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा डायरेक्टली हमारे ट्रिप का, जो चंडीगढ़ से हम लोग जो ऊपर जाएंगे तब, तो फर्स्ट वाला व्लॉग आएगा, तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा। अगर आप लोग हमें जो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव स्टोरी अपडेट्स आता रहेगा। जैसे ये पैकिंग हो रहा था तब भी हम लोग जो है डाल दिए थे अपनी स्टोरीज, तो वो भी आपको हेल्प होगा। तो इंस्टाग्राम की आईडी जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लू बाइकर, तो वहाँ पे डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हो गया, बाय बाय। Bye-bye.